हेलो एवरीवन, मेरे ग्रीन लाइव चैनल में आपका मोस्ट वेलकम। और जो ये आज की वीडियो है, तो मैं अपने गार्डन का एक खूबसूरत सा कोना सजाने वाली हूँ, डेकोरेट करने वाली हूँ, और उसमें एक टॉप आयरी भी बनाई है मनी प्लांट की, वो भी मैं दिखाने वाली हूँ। मैंने कैसे कैसे मैंने क्रिएट किया है, मैं सारा अभी दिखाने वाली हूँ आपको। और प्लीज़, अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एक लाइक भी दे सकते हैं अच्छा लगे तो, और वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। ये मेरे गार्डन का खाली कॉर्नर है और मैं इसको आज डेकोरेट करने वाली हूँ। कुछ मैंने न्यू भी बनाया है और कुछ मेरे पुराने प्लांट है उससे न्यू सजाने वाली हूँ इसको। और देखिए, ये मैंने एक स्टैंड रखा है, ये कुछ पुल का लुक देगा यहाँ पे इस तरह से। और इसके नीचे अगल बगल में कुछ रखने वाली हूँ। और ये देखिए, ये जो मैंने पुल सा बनाया था स्टैंड का, तो मैंने इसके ऊपर एक गमला रखा है। और इस गमले में ये काफ़ी बड़े बड़े मेरे बेबी सनरोज के का प्लांट है, एक ही प्लांट है, देखो कितना फैला हुआ है। तो मैंने कुछ इसको इधर से डेकोरेट किया है और कुछ इधर को फैलाया है, और कुछ मैंने ये लुक इस तरह से दिया आगे से। तो ये कुछ इसका लुक ऐसा है। और यहाँ पे रेलिंग में मैंने ये हैंग कर दिया, तीन जो है पॉट, हैंगिंग पॉट हैंग कर दिए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे, ये सीडम का है। तो ये बहुत खूबसूरत ग्रीन लगता है। मैंने ये भी लगाया, देखो, तो ये अगर आपको दिखा दूँ तो बहुत समय लगता है। तो ये मैंने एक प्लांटर में, तो यहाँ पे इसमें मिट्टी डाली हुई है और ऊपर से ये रखा है पैरालाइट वाइट, तो ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये मेरे जो ये साइप्रस होता है, तो ये वो है। और ये मेरे ये बेबी सनरोज के लगा दिए हैं, एक पीछे भी लगाया है, और इनको दो बच्चों को बैठा दिया है। तो ये देखो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। और ये ब्लू कलर का मेरा घर में पड़ा हुआ था, कुछ स्टैंड था किसी चीज़ का, तो ये बेकार था, तो मैंने इसमें ये यूज कर लिया। और ये आर्टिफिशियल है, ये वाला टमाटर का जगह, ये भी बीच में वाइट में, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो ये देखो, इसका कुछ लुक इस तरह का लग रहा है। इसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ये बत्तख में एक टोपायरी बनाई थी, ये बत्तख में, तो ये देखो मनी प्लांट पे बनाई थी। एक ये मार्बल पोथोस का लिया था कटिंग, और एक ये नॉर्मली जो होता है ये वो है। तो मैंने इसको इस तरह से गोलाई में दिया इसको, और ये डबल में है, ये दो तार हैं, एक इधर है एक इधर है, और बीच में ये मनी प्लांट है। तो ये इस तरह लगाया हुआ है, और एक इसमें लगाया हुआ है और एक इसमें लगाया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मिट्टी डाल के इसमें सोयल, और कुछ इसमें ये परलाइट डाल दिया है, तो वाइट ही सुंदर लग रहा है। तो ये देखिए, ये मैंने दोनों बत्तख में ये मनी प्लांट का ये लगाया हुआ है, ऐसे करके दोनों एक दूसरे को जैसे दिख रहे हो। तो ये अब इस तरह का इसका लुक आ गया। और एक मैंने ये कैलेडियम का ये वाला प्लांट लगा दिया है, खूबसूरत पत्ती वाला पीछे से। मैंने ये एक मैट थी मेरे पास पुरानी, तो उसको धो के साफ करके यहाँ ये बिछा दिए रोड के लिए पहले, और ग्रीनरी दिखाने के लिए। और फिर इसके पास मेरे पास एक मैट और पड़ी हुई थी, ये रेड, ये टेबल वाली, तो वो मेरी ख़राब हो चुकी थी, मैंने अच्छी काट के इसमें लगा दिए। और फिर मेरे पास ये रंगीन पत्थर पड़े थे, तो मैंने ये किनारे से रोड पर लगा दिए हैं। तो ये मैंने इसको रोड बनानी है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर मैं अब वाइट जो बारीक वाला पत्थर होता है, तो वो वाला डालूंगी, इस टाइप का। ये देखिए, तो ये बहुत सुंदर लगेगा किनारों पे, तो बड़े पत्थर, और यहाँ पे बीच में ये इस तरह से वाइट वाला, ये बहुत अच्छा लगेगा। अभी मैं पूरा डाल लेती हूँ। दो बत्तख हैं, और बत्तख के बीच में एक खूबसूरत सा ये बच्चों का जोड़ा बैठा, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये देखिए, इसके बाद मैंने ये एक छोटा सा गमला रखा है, इसमें भी प्लांट रखा है। और ये फिर इसके बाद इधर से लेते हैं, एक फ्लावर है इसके बाद यहाँ पे बगल में इनके, और फिर एक छोटा, फिर ये वाला ये फिलोडेंड्रोन जो होता है, और उसके बाद भी ये दूसरा वाला, ये दोनों तरफ का। तो ये देखो, और फिर इधर भी ऐसे ही मैंने सजाया है, दूसरी साइड में भी। और ये देखो, ये सेंसवेरिया है, इसके बाद ये भी मनी प्लांट की एक वैरायटी है। और इसके बाद ये देखो, ये वाला भी बहुत सुंदर कैक्टस का है, और ये सेंसिवेरिया है छोटा सा। तो इस तरह मैंने इनको ये इधर पे किनारे किनारे रखा है,
और बीच में एक मैट डाली है, मैट के ऊपर ये और एक छोटी सी मैट थी मेरे पास। ये सब मेरा ये पुराना है, मेरा जो वेस्ट था। तो और ये मैंने रंगीन पत्थर डाले हैं ये रोड पे किनारे किनारे, और ये वाइट कलर की ये बारीक बारीक स्टोन दिए हैं मैंने बारीक वाले। तो ये रोड बनाई है देखो इस तरह की, तो ये कुछ ऐसा लुक लग रहा है इसका। और इधर किनारे पे बड़े बड़े दो गमले रखे हैं, तो ये देखो खूबसूरत से एक इधर रखा है फूल वाला, और एक मैंने इधर रखा है, दोनों किनारों पे दिया है। और इधर छोटे छोटे हैं बगल में, और इधर भी मैंने देखो ये कुछ दिया है, एक फूल वाला दिया है ये पेंटस का, और एक ये दिया है मैक्सिकन पिटोनिया का, और एक ये दिया है, ये भी खूबसूरत लगता है। तो इस तरह के हम लगा सकते हैं। तो ये देखिए एक बार मैं पूरा दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह का लुक है। तो ये मैंने मैंने कॉर्नर में जाने का कुछ इस तरह से यहाँ पे ये गमला रखा है, तो ये इस तरह से फिर हम जाते हैं, और फिर यहाँ पे ये सब रखा हुआ है इस तरह से, ये मैंने कॉर्नर बनाया हुआ है, यहाँ से ये रास्ता दिया है। तो ये मैंने डेकोरेट किया है, ये कॉर्नर था मेरा, तो बहुत दिनों से मैं सोच रही थी इसमें कुछ डेकोरेट करूं, तो मुझे ये अच्छा लगा, जो जो मेरे पास थे मैं सभी वही लगाया, मैंने कुछ भी अपने पास से नहीं खरीदा। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये डेकोरेट हो गया है मेरा। तो ये आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, और लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।